हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान प्रेस के जो फॉरम शुरू हो गए हैं उनसे जुड़े आपके जो भी कमेंट्स थे, जो भी आपके क्वेश्चंस थे कि कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कितने फॉर्म भरने चाहिए, दो भरें तो कैसे भरें, और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है नॉर्मली लास्ट बार जब राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी तो उसमें टोटल 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए थे? टोटल 18 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 3 लाख फॉर्म ऐसे थे जो कि दो दो बार जो बच्चों के भरे गए फॉर्म थे। सबसे ज़्यादा जयपुर में भरे गए थे 1 लाख फॉर्म, सबसे ज़्यादा जयपुर से अप्लाई हुए थे। और नॉर्मल जिलों में सबसे कम जो भरे गए थे चूरू से भरे गए थे, मात्र 19,000 फॉर्म भरे गए थे। और सभी की अगर बात करें तो सबसे कम फॉर्म जो फिल किए गए थे वो किए गए थे 12वीं बटालियन दिल्ली से, मात्र 7,000 पोस्ट फिल की गई थी, 7,000 फॉर्म भरे गए थे। राइट, दूसरा सबसे बड़ा जिला जो था जिसमें सर्वाधिक फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे कोटा से, जहाँ से 90,000 थे। पर बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर से, इन जिलों से 50,000 फॉर्म फिल किए गए थे, यानी सर्वाधिक फॉर्म जहाँ से भरे गए थे उन जिलों की हम बात कर रहा हूँ। और सबसे कम आपका चूरू आ गया है, सिरोही जिला जो था, ठीक है, इनसे आपके कम फॉर्म यानी 19,000, 17,000, 18,000 फॉर्म भर गए थे। बूंदी से 20,000 थे, 12 से 27,000 थे, या झालावाड़ से 32,000 फॉर्म थे, दौसा से 26,000 थे, सीकर से 21,000 थे, झुंझुनू से 21,000 थे। ठीक है, यानी कम फॉर्म भरे गए थे। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि रोजाना यहाँ पर लाइव टेस्ट करता है। डेट आपको पता है नॉर्मली 23 दिसंबर से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए, 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। SSOID आपको बनानी पड़ेगी, और SSOID अगर बनी हुई है तो उसमें लॉगिन करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसमें। राइट, चलिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 4 तारीख का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग। पहली चीज़ तो ये, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसमें देते हैं कि पहले आपको एग्जाम का सेंटर कौन सा चूज करना है, यानी प्राथमिकता जो देते हैं कि पहला सेंटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बारी भी यही हुआ था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना प्राथमिक सेंटर दिया था, यानी पहला सेंटर जहाँ पर आपको एग्जाम देना था उसमें नहीं आया था, उसके पास वाले किसी दूसरे ज़िले में आया था आपका फॉर्म, अगर आपको याद है तो ऐसा ही हुआ था। अगली बार भी यही लिखा हुआ है, अगर आपने सही से अगर वो नोटिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि आपकी प्राथमिकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जिले में सबसे पहले फॉर्म भरो या जिस जिले में एग्जाम सेंटर दो उसी में आपका एग्जाम आएगा, ऐसा नहीं है। और इसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये। तो नॉर्मली यही होगा, जैसे आप चूरू से करते हैं तो बीकानेर में आ गया, बीकानेर में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आप सीकर का में आ गया, सीकर का तो जयपुर में आ गया, यानी उसी संभाग के में रह जाता है। नॉर्मली संभाग का कह सकते हैं आप कि उसी संभाग में आपका आ सकता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आता है कि बहुत सारे बच्चों की ये थे कि सर दो दो फॉर्म भर सकते हैं क्या, कि हम दो दो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहली चीज़, सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि पहली गारंटी तो ये नहीं है कि अगर आप एक ही SSOID से दो फॉर्म भरते हैं, अगर दो जिलों से अलग अलग, अगर दोनों की एग्जाम डेट अगर सेम आ जाती है तो आप एग्जाम देने नहीं जा सकते, यानी कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ मैं दोनों तीनों चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि एक ही दिन हो सकता है कि एग्जाम आ जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये वो हो सकता है, यानी बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप दो फॉर्म रिजेक्ट करते हैं और दो फॉर्म को अगर सरकार रिजेक्ट कर देती है, बोर्ड अगर रिजेक्ट कर देता है कि दो फॉर्म वाले बच्चों के फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट कर दो, तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इससे बेटर है, पहली बात तो आपको दो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो एक से ही हो जाएगा, आप जिस भी जिले से भरना चाहते हैं, हालांकि बता दूंगा कि कौन से भरना चाहिए, तो एक फॉर्म फिल कीजिए। तो अगर दो करना चाहते हैं बाई चांस, अगर आपका मन है कि मुझे दो फॉर्म भरने हैं दो दिने, तो आप आई थिंक आपको दो SSOID से भर देने चाहिए। ठीक है, फायदा क्या होगा, दो SSOID बन जाएगी आपकी नॉर्मली। ठीक है, ईमेल आईडी तो चेंज करना है आपको, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ही चेंज करना है तो हो जाएगा, सबके पास दो दो नंबर होते हैं। तो दो SSOID बना के आप दोनों से अलग अलग एक एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फायदा ये हो जाएगा कि एग्जाम अगर सेम डे आ गया तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन बाई चांस अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो बेटर यही है कि पहली बात तो मत भरिएगा, कहना ये कि क्यों फॉर्मों की संख्या बढ़ानी है, क्यों 400-500 रुपये आपके खर्च करने हैं बेकार में, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा करेंगे, तो आप दो SSOID बना के कर सकते हैं। राइट, ये दोनों चीज़ें खास तौर से ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आएगी आपकी कि फॉर्म भरना कहाँ से है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी जिले से भरना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पोस्टों की अगर बात करें, अगर ज़्यादा आप पोस्ट देते हैं कि सर्वाधिक पोस्ट कहाँ से और कहाँ से फॉर्म करूँ, जयपुर और उदयपुर में जो है वो सर्वाधिक पोस्ट आपकी आती है। ठीक है,
जयपुर और उदयपुर, उदयपुर में नॉन टीएसपी एरिया में टोटल जो है वो 761 पोस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दी हुई होगी, ठीक है। उदयपुर नॉन टीएसपी एरिया जो है उसमें 761 पोस्ट आपकी आती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में आपकी जयपुर की आती है जो 532, ठीक है, 532 पोस्ट है। इसके अलावा कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पोस्ट नहीं है, जैसे अलवर हो गया है, ठीक है, सॉरी माधोपुर एरिया है जहाँ पर कम है। तो आपको जिस चीज़ से मैंने यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है कि किस जिले में कितने कितने पोस्ट है, जैसे बांसवाड़ा के 366 हो गए हैं, बाड़मेर के 49 है, बारा के 44 है, भीलवाड़ा के 102 है, बीकानेर के 64 है, चित्तौड़गढ़ के 74 हैं, चूरू के 52 हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने ये पूरी लिस्ट बना दी है कि किस में कॉन्स्टेबल की कितने हैं और ड्राइवर की पोस्ट कितनी है, ठीक है। यानी आगे जो ये जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ड्राइवर की कोई भी पोस्ट नहीं है। तो पूरा मैंने यहाँ पर लेखा जोखा बना दिया है 5,000 पदों का कि किस जिले में कितनी कितनी पोस्ट हैं और उसी जिले में ड्राइवर की पोस्ट कितनी कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो किसी भी जिले से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। और दो अगर करना चाहते हैं बाई चांस तो आप कीजिएगा, दो अलग अलग एसएसओ आईडी बना के कर दीजिएगा। बाकी क्वालिफिकेशन आपको पता है 10वीं है, और बटालियन की करते हैं तो 8वीं पास आपकी हो जाएगी। एज आपको नॉर्मली पता है 1823, फिर आपकी छूट हो जाती है तो नॉर्मली 28 वर्ष तक। और ड्राइवर का करते हैं तो आप 31 वर्ष तक आप नॉर्मली कर सकते हैं, 26 तक होती है, 26 से 5 और ऐड कर दीजिए, 31 तक आपका हो जाएगा, राइट। और बहुत सारे बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये है, ताकि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है तो कह रहे थे सर, तो आप दूसरे जिले से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप दूसरे जिले से कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अपने जिले से ही फॉर्म फिल करें, आप दूसरे जिले से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है और टाइमिंग वही है, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ गया है, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दें, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट से एक तो आपका जो टाइमिंग है वो सुधर जाएगा कि उतने टाइम में उतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत करते हैं वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि आप पूरा इतने दिनों में आप पूरा सिलेबस भी करें, मॉडल पेपर भी दें, तो एनकेडीएम प्लस ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट तीनों की एक साथ और एक ही फीस में आपको क्या करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। नॉर्मल सी फीस होती है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप रेफरल कोड देना है परेला सारण के नाम से, और क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एनकेडमी लर्निंग ऐप आती है, आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं किया तो कर लेना। और जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो कैटेगरी पूछेगा, आरपीसी देना है, अपनी आईडी बनानी है, और यहाँ पर ओके करके जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्लस का नाम आएगा, तो प्लस पे ओके करना है। इस तरह का पेज खुलेगा तो कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, 1 मंथ का है, 3 मंथ के लिए, 6 महीने या 12 महीने के लिए, जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस मंथ पे ओके करके कंटिन्यू कर देना है। फिर ये आपका तीसरा पेज खुलेगा, इसमें यहाँ पर आपको रेफरल कोड देना है, नाम मिल जाएगा रेफरल कोड, प्रहलाद सारण बिना स्पेस दिए या प्रहलाद लाइव भी दे सकते हो, और अप्लाई कर देना है, जिससे कि 10% ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करके आपकी जो भी फीस है वो कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 42 टीचर हैं जो आपको डेली फुल क्लास करवाते हैं, फुल मॉडल पेपर। राजस्थान पटवारी पुलिस के 50-50 आपको फुल मॉडल पेपर भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देते हैं, एक तो आपकी छोटी छोटी गलतियों में सुधार हो जाती है, जो आपके एग्जाम के टाइम पर 2-3 क्वेश्चन जो आपकी गलतियों की वजह से गलत होते हैं वो नहीं होंगे, दूसरा टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, तीसरा आपको अपनी रैंकिंग पता लगेगी कि जितने भी बच्चे दे रहे हैं उनमें आपका कौन से रैंक पे है, कौन से नंबर पे है, कितनी आपकी तैयारी है, और अलग अलग पार्टों वाइज आपको पता लगेगा कि किस पार्ट में आपकी तैयारी कम है, किस पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये नहीं है कि प्रत्येक पार्ट में पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब की बार यही प्रॉब्लम है। पिछली बार तो क्या होता था कि अलग अलग पार्टों में थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि एक पार्ट में पास नहीं हो पाते थे 40%, तो वो रह जाते थे। अब की बार ऐसा है नहीं, तो मेरिट थोड़ा सा हाई जाने वाली है, तो ज़रूरी है कि आपका हर पार्ट मजबूत हो। हालांकि पूरे पेपर में 40% है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर सिर्फ 40% के लिए आप करते हो तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि 40% मेरिट तो रहने वाली है नहीं, तो वो तो मैटर ही छोड़ दीजिए। 40% वाला आपकी बार वो तो होने वाला नहीं है, तो वो तो पूरे पेपर में ही है, लेकिन हर पार्ट आपका मजबूत होना है। दूसरे टेस्ट सीरीज से आपका आइडिया हो जाता है कि कौन सा पार्ट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट देना है ये, तो अनकेडमी प्लस पर आज ही टेस्ट है, 5 बजे आपका टेस्ट होने वाला है 100 क्वेश्चन का। आप आइए, उसमें देखिए आपकी कौन सी रैंक आती है, आप कौन से नंबर पर आते हैं, ठीक है। 5 बजे होगा, लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो वहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है सबका। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो कभी भी आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।